गार्बेज इन गार्बेज आउट लेसन नंबर 16 क्लासिक साइंस. वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम अवर होम स्कूल शॉप्स एंड ऑफिसेस. कह रहे हम जो बहुत सारा जो गार्बेज है डेली अपने होम से स्कूल से शॉप से और ऑफिस से डालते हैं. द ग्रेन्स पल्सेस बिस्किट्स मिल्क और ऑयल परचेस्ड इन होम परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स. जो ग्रेन्स होते हैं दालें होती हैं बिस्कुट्स होते हैं मिल्क होता है ऑयल होता है जो शॉप से हम परचेज करते हैं उसको हम प्लास्टिक बैग में डालते हैं और टिन्स में डालते हैं. ऑल दिस रैपिंग मटीरियल गो आउट एज गार्बेज. जो सारा जो मटीरियल है वो एज अ गार्बेज आता है. वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज. कह रहे हम जो है कुछ वी समटाइम्स कई बार जो हम चीजें खरीदते हैं दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज उसको हम गार्बेज में डाल देते हैं. तो कह रहे कि हम जो बहुत सारा जो गार्बेज है डेली हम जो हम होम से स्कूल से शॉप से ऑफिस से जो हम यूज करते हैं और डालते हैं बाहर फेंकते हैं जो हम घर से भी हम बाहर गार्बेज फेंक देते हैं स्कूल से भी शॉप से भी ऑफिस से भी. कह रहे जो डाले हैं ग्रेन्स हैं बिस्किट्स हैं मिल्क है ऑयल है वो जो शॉप से जो परचेज करते हैं वो भी प्लास्टिक बैग या टिन्स में आते हैं. तो ये सारा जो मटेरियल है एज अ गार्बेज होता है. कह रहे वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इन टू द गार्बेज. कह रहे कई बार हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो बहुत कम यूज होती है फिर वो भी एज अ गार्बेज जाती है. We generate so much garbage in our day-to-day activities. हम कह रहे हम एक दिन में इतना सारा garbage generate करते हैं. We often throw groundnut shells on public areas in buses or trains. After eating the nuts, we throw away the ticket when we get off a bus. A child might go on the sharpening pencil just for fun. If we make a mistake or spill ink on your notebook, then we tear the sheet. And throw it away. And we also throw away the many domestic waste such as broken toys, or clothes, shoes and slippers. के जो हम बहुत सारा जो गार्बेज है हम डेली एक्टिविटीज में हम जनरेट करते हैं. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल और पब्लिक एरियाज इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. फिर हम अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत सारा जो गार्बेज है जनरेट करते हैं. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेसेस. के जो हम क्या करते हैं ग्राउंडनट के शेल है वो पब्लिक एरियाज में फेंक देते हैं बसेस में फेंक देते हैं ट्रेन्स में फेंक देते हैं जब नट्स खाते हैं जो उसका जो ऊपर वाला शेल होता है वो फेंक देते हैं. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. के जब हम बस से उतरते हैं तो टिकट भी फेंक देते हैं. अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन. कह रहे जो कोई बच्चा है अब पेंसिल जो शार्प करता रहता है फन के लिए. इफ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन योर नोटबुक. कह रहे अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं या इंक डाल देते हैं नोटबुक पे तो वी टियर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. तो हम उस शीट को फिर फेंक देते हैं फाड़ के फेंक देते हैं. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज. कह रहे हम बहुत सारी घर की चीजें हैं जो टूटी हुई चीजें हैं टॉयज और क्लोथ शूज स्लीपर ये भी हम फेंक देते हैं. But if the garbage is not removed from our homes and surroundings, how do you think this will harm us? When safai karmchari take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all of these garbage to be changed into something that will harm us? Can we contribute towards this anyway? We will look for answer to this question for this answer. Okay, what we if the garbage is not removed from homes and surroundings, how do you think that will harm us when safai karmchari take the garbage from the bins? Ke jo if the garbage is not removed from our homes and surroundings, kare agar garbage ko agar home se surrounding se agar nahi remove kiya gaya, how do you think this will harm us? Kare ye kaise hame harm karega when safai karmchari टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स. जो कह रहे हैं अगर सफाई कर्मचारी जो है बिन को गार्बेज को लेते हैं बिन से वेयर डज द गार्बेज गो तो वो गार्बेज कहाँ जाता है उन गार्बेज का क्या होता है. इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इन समथिंग दैट विल हार्म अस. कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस एनीवे. वी विल लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो कह रहे हम जो इस क्वेश्चन के आंसर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? कह रहे अगर हम अपने घर से अगर हम garbage को नहीं remove करेंगे तो यह कैसे हमें harm करेगा? When safai karmchari take the garbage from the bins, where does the garbage go?
ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने जो गार्बेज ले जाते हैं वो गार्बेज कहाँ लेके जाते हैं, और गार्बेज का क्या होता है, और किसको उस गार्बेज को किस चीज में चेंज किया जाता है। तो कह रहे कि कैन वी कंट्रीब्यूट इन दिस एंड दिस वे वी विल लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कह रहे हम इस चैप्टर में इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि गार्बेज का हम क्या करते हैं, कि गार्बेज को हम किसी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमें नुकसान देने की बजाय वो फायदा देता है। तो कह रहे हमने इसमें आज क्या पढ़ा, गार्बेज के बारे में पढ़ा कि गार्बेज क्या होता है, कि कहाँ कहाँ से गार्बेज निकलता है, घर से निकलता है, स्कूल से निकलता है, शॉप से, ऑफिस से, जो बिस्किट्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो भी गार्बेज होते हैं, जो नट्स खाते हैं हम उसके जो बाहर वाला शेल होता है वो भी गार्बेज होता है, टिकट होगी जो फेंकते हैं हम वो भी गार्बेज हो गया, ब्रोकन टॉयज हो गए वो भी गार्बेज हो गए। तो कह रहे हैं गार्बेज को हम क्या करते हैं और क्या क्या इसको के किस चीज में कन्वर्ट करते हैं ताकि एनवायरमेंट में कोई ये नुकसान ना दे। अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस, स्वच्छ भारत। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। कह रहे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया था, एम ऑफ द मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। क्या स्वच्छ भारत मिशन जो है, SBM जो है, जो उसने प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, इस मिशन का क्या एम है, टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 में द एम ऑफ द मिशन, मिशन का क्या एम था, इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो ये जो हमारा जो मिशन है वो क्या किस लिए बनाया गया था, टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया। तो बिल्कुल ओपन डिफेक्शन इंडिया, फ्री इंडिया बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। ये जो चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भूजो स्कूल, जो पहेली और भूजो के स्कूल से जो चिल्ड्रन आए, डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। खैर हम इसमें हम एक प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा क्या है आगे, डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कोल्ड लैंडफिल। जो सफाई कर्मचारी है जो गार्बेज को जो है कलेक्ट करते हैं ट्रक्स के अंदर एंड टेक इन टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कोल्ड लैंडफिल, उसको जो है ओपन एरिया में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी री यूज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज एज सच। ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं ट्रक्स के अंदर एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया, उसको जो है ओपन एरिया में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या होता है, ओपन एरिया जहाँ पे जो है गार्बेज को डाला जाता है। तो लैंडफिल क्या होता है, जो ओपन एरिया जहाँ पे गार्बेज को डाला जाता है उसको बोलते हैं लैंडफिल। देयर आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम दैट दैट कैन नॉट बी यूज्ड। के जो गार्बेज है दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। दस द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो गार्बेज में जो है दोनों कंपोनेंट होते हैं, कुछ फायदा देते हैं और कुछ नुकसान देते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, इट इज देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सोइल। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं, इट इज देन सेपरेटेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सोइल। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजली कवर्ड विद पार्क और अ प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज। कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल, व्हाट इज द कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। के जो नॉन यूजफुल, दोनों कंपोनेंट होते हैं गार्बेज में, यूजफुल भी और नॉन यूजफुल भी। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम अलग कर देते हैं, इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, उसको हम लैंडफिल पे भी डाल देते हैं एंड इज देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सोइल, और उसको सोइल से कवर कर देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, एक बार अगर लैंडफिल जो बिल्कुल फुल होगी, इट इज यूजली कवर्ड विद अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड, उसको हम या तो पार्क से कवर इट इज यूजली कन्वर्टेड टू पार्क और प्ले ग्राउंड, उसको जो है या तो पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया, ये लैंडफिल दिखाया हुआ है जो ओपन एरिया जहाँ हम गार्बेज डालते हैं उसको बोलते हैं लैंडफिल। तो उसको कह रहे कि जो हमारा जो गार्बेज होता है उसको हम द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड सेपरेटेड फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच।
कुछ गार्बेज होता है हम दोबारा यूज कर सकते हैं, कुछ हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। तो इसमें गार्बेज में यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन यूजफुल भी कंपोनेंट होते हैं। तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं और यूजफुल को हम दोबारा यूज कर देते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर विद द लेयर ऑफ सोइल। तो कह रहे हैं उसको हमने लैंडफिल जो ओपन एरिया पे स्प्रेड कर देते हैं और उसको फिर सोइल की जो लेयर है उसे कवर कर देते हैं। जो हमारा नॉन यूजफुल कंपोनेंट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम लैंडफिल पे लेके आते हैं, उसको फिर सोइल से कवर कर देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, अगर जो एक बार जो लैंडफिल जो है कम्प्लीटली फुल होगी, इट इज यूजली कन्वर्टेड इंटू पार्क और अ प्लेग्राउंड। इसको हम जो पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। कह रहे नेक्स्ट 20 ईयर्स जो है नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो कोई भी बिल्डिंग इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज कंपोज मेकिंग एरियाज आर डी डेवलप नियर द लैंडफिल, व्हाट इज द कंपोज, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, कह रहे अगर एक बार लैंडफिल जो कम्प्लीटली फुल हो गई, इट इज यूजली कन्वर्टेड इंटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। उसको जो पार्क में कन्वर्ट कर देंगे और प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। नेक्स्ट 20 ईयर जो है कोई भी इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। टू डील विद सम ऑफ द नो यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज कंपोज मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। जो कह रहे कि यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए जो है हमारे एक एरिया बनाए जाते हैं, कंपोस्ट बनाई जाती है उसकी। तो कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो हमने पढ़ा कि गार्बेज में यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको जो है लैंडफिल पे स्प्रेड कर देते हैं और उसको फिर सोइल से ऊपर कवर कर देते हैं। कि जो हमारा जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हमारा, उसके लैंडफिल पे डाल के उसको हमने लेयर ऑफ सोइल से कवर कर देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल्ड, एक बार जो लैंडफिल है जो बिल्कुल कम्प्लीटली फुल होगी, इट इज यूजली कवर्ड विद द पार्क और प्लेग्राउंड। तो उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं पार्क में या प्लेग्राउंड में। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स सो नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स, जो उसमें यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उसके लिए जो है फिर उसको लैंडफिल में हम कंपोस्ट बनाते हैं। अब कंपोस्ट क्या होता है हम आगे स्टडी करेंगे। पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी द यूजफुल गार्बेज, व्हाई इट इज थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। कह रही कि पहेली कह रही है कि अगर वो यूजफुल गार्बेज है तो फिर उसको हमने गार्बेज में क्यों डाला। तो आगे हम स्टडी करते हैं एक्टिविटी वन। Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin, separate into two groups so that they have. के जो हमारे घर में जो garbage होता है उसको dustbin में डालने से पहले दो group में divide कर लो। कौन कौन से group में divide कर रहे हैं? एक है garbage from the kitchen, kitchen से जो जो garbage आता है, fruit, vegetable, pill, eggshell, waste food, tea leaves, newspaper, dry leaves, paper bag, एक group में तो ये हो गए। दूसरे ग्रुप में क्या करना है, जो क्लोथ के पीस हैं, पोलोथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर और शूज, ब्रोकन टॉयज, ये होगी। पहला जो किचन वाला है और दूसरा बाकी क्लोथ, पोलोथीन, ब्रोकन ग्लास, इन दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू सेपरेट हिप। अब दो ग्रुप हो गए, अब दो ग्रुप के जो जो कंटेंट है उसको दो हिप में बनाना है। लेबल दैम ए बी सी एंड डी, पहले वाले के दो ग्रुप दो हिप्स, दूसरे वाले के दो हिप्स। पहले वाले हिप्स के नाम है ए एंड बी और दूसरे वाले के हिप्स के नाम है सी एंड डी। पुट वन हिप फ्रॉम ग्रुप ए, कह रहे जो एक हिप है वो ग्रुप वन से लो, एक हिप लो हमारा फ्रॉम ग्रुप टू इनटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। तो कह रहे कि जो हमारा पुट वन हिप फ्रॉम द ग्रुप वन, ग्रुप वन से जो है एक हिप लो और दूसरा हिप जो है ग्रुप टू से लो, इंटू द टू सेपरेट प्लास्टिक बैग, टाई द माउथ ऑफ दीज टू बैग्स टाइटली। अब उसको जो है टाइटली बांध देना है बैग से। पुट ऑल द फोर हिप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विद सोइल, उसको जो है सोइल से कवर कर देना है। यू कैन ऑल्सो यूज फोर पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हिप्स, यू कैन ऑल्सो यूज फोर पॉट्स, तो हम चार पॉट्स यूज कर सकते हैं टू इसको जो है उसके नीचे गाड़ने के लिए।
Remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicates the rotting of garbage is completely. Put the heap again the paste cover with the soil. Observe again after every 2 days and note your observation is suggested. Did the garbage rot completely and no smell? Rot only partially, rot almost completely, but still smell bad. No change at all. Garbage in which heap was seen to rot and which did not. तो कह रहे कि जरा रिमूव द सोइल आफ्टर 4 days, कह रहे आफ्टर 4 days जो है उसको सोइल को रिमूव कर दो एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज, और जो गार्बेज में जो चेंज ऑब्जर्व कर रहा है उसको देखो. अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट, कि अगर उसमें ब्लैक कलर हो गया तो इस मीन जो है जो गार्बेज सड़ रहा है वो कम्प्लीट हो गया. पुट द हीप अगेन इन द पेज, अब उसको जो हिप्स है उसको हमने पेस्ट में डाल दिया और फिर सोइल से कवर कर दिया, फिर उसको ऑब्जर्व किया एवरी 2 days, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? रोट कम्प्लीटली एंड नो स्मेल, क्या गार्बेज जो है कम्प्लीटली जो है वो रोट हो गया, मतलब कि उसकी जो रोटिंग हो रही है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो गई लेकिन स्मेल नहीं दे रही, या उसकी रोटिंग पार्शली आधी हुई, या उसकी रोटिंग जो कम्प्लीटली हो रही लेकिन उसमें स्मेल आ रही है, नो चेंज आउट, या बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. तो कह रहे कि गार्बेज इन विच ही वाज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट, एंटर ऑप्शन 1, 2, and 3, 4 इन कॉलम 1 ऑफ 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. तो हमने एक ऑब्जर्वेशन ली ए बी सी डी गार्बेज की हिप से, 4 दिन बाद क्या हुआ, 6 days बाद क्या हुआ, 2 weeks बाद क्या हुआ, 4 weeks बाद क्या हुआ. If you make any other observation, do not forget to write all these in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. Kare ki if the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil. To kare ab garbage ka kya karenge? If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. कह रहे कि अगर कोई और जो ऑब्जर्वेशन है तो उसको हमने अपनी नोटबुक में लिखना है. डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट, कि जिसकी रोटिंग नहीं हो रही डू नॉट रिमूव, उसको रिमूव नहीं करना और गार्बेज को जो है बर्न नहीं करना. इफ द गार्बेज वाज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली, अगर गार्बेज जो है उसको जो है वो कम्प्लीटली रोट नहीं हो रहा एंड डिड नॉट स्मेल, और स्मेल नहीं आ रही तो मिक्स इन द सोइल, उसको सोइल के अंदर मिक्स कर दो. वेयर यू सो अवर फेवरेट प्लांट्स, This would provide nutrient to the plant. तो ये जो है plant को nutrient देंगे. You must have observed from this activity that some things in the garbage dirt, they form manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some material into manure is composting. जो materials का जो convert करके manure में जो मटेरियल है जो हमारी जो उसको हमने अगर मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस गार्बेज दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट दे फॉर्म मैन्योर व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्लांट द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर. तो रोटिंग और जो कन्वर्जन है मटेरियल की मैन्योर में इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग. तो कह रहे कि इसके आगे क्या है हमारा, जो बर्निंग ऑफ लीव्स है कैसे जो गैस प्रोड्यूस करते हैं. आगे हमने जो है वर्मी कंपोस्टिंग है, रेड वर्म का यूज करके हमने कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, और उसके बाद जो वर्मी कंपोस्टिंग के वेरियस मेथड्स क्या हैं, और हम उसको गार्बेज को कैसे हमें यूज करना है, और पेपर को कैसे रिसाइकल करते हैं, और प्लास्टिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. आज एक बार जो हमने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करते हैं. गार्बेज इन गार्बेज आउट, कह रहे पहले तो पता होना चाहिए कि गार्बेज कहाँ कहाँ से होता है, होम से, शॉप से, स्कूल से, ऑफिस से. जो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं बाहर के वो भी हमारा गार्बेज होता है, जो हम शेल खाते जो हम ग्राउंड नट्स खाते हैं उसके जो बाहर वाला शेल होता है वो भी हमारा गार्बेज होता है. पेपर हम जो हम यूज करते हैं अगर वो खराब हो जाए तो उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं, वो भी हमारा गार्बेज होता है. तो कह रहे कि जो हम सफाई कर्मचारी है गार्बेज को लेके जाते हैं तो वो गार्बेज का क्या करते हैं, तो गार्बेज को अगर लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो उसके बाद कह रहे कि क्लीननेस के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक अभियान चलाया था, वो था स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, और वो चलाया था 2 अक्टूबर 2019 में. उसके बाद कह रहे कि हम एक प्रोजेक्ट करते हैं डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ हम कैसे डील करेंगे, तो उसमें आगे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं.
उससे पहले हमें बताना चाहिए कि लैंडफिल क्या होता है। एक ओपन एरिया जहां पे हम गार्बेज को डाल देते हैं उसको बोलते हैं लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम दैट दैट कैन बी यूज्ड एज सच। द गार्बेज हैज मोर यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। कह रहे गार्बेज में यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट दोनों होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। इट इज देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सोइल। जो हमारे नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। इट इज देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सोइल। तो हमारा जो कह रहे हैं कि इस गार्बेज के अंदर यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट दोनों होते हैं, तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर देते हैं और उसको जो है हम इट इज स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर सोइल। और लैंडफिल पे इसको स्प्रेड करके जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको मिट्टी से जो है कवर कर देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जब कम्प्लीटली जब लैंडफिल अगर फुल हो जाता है इट इज यूजली कन्वर्टेड इंटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। तो कह रहे कि नेक्स्ट 20 इयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ओनली। कह रहे 20 साल तक वहां पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाते टू डील विद सम ऑफ द नॉन यूजफुल यूजफुल कंपोनेंट्स। अब कह रहे जो यूजफुल कंपोनेंट्स को हम कैसे डील करते हैं, तो उसका हम कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, खाद होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है। कह रहे कि हम जो पीपल पहली कह रहे कि हम गार्बेज को में अगर कोई चीज डालते हैं तो कह रहे हैं वो भी यूजफुल है, तो फिर हम उसको गार्बेज में क्यों डालते हैं। तो हम एक वो प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, तो इसके लिए हमारी एक्टिविटी थी, तो जो कह रहे हमारा जो गार्बेज जो हमारे घर से आता है तो उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। एक तो जो किचन से जो गार्बेज आता है, और जो क्लोथ और पोलोथीन बैग और ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर, नेल और शूज, ब्रोकन टॉयज, ये जो दो गार्बेज है इसको ग्रुप वन और ग्रुप टू में डिवाइड कर लिया। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू हिप्स। ग्रुप वन के गार्बेज को दो हिप में डाल दिया, ए और बी, और दो चार हिप बनेंगे। ग्रुप वन के दो हिप, ग्रुप टू के भी दो हिप। Put one hip from group A. एक जो हिप हमने लिया, जैसे इसमें दिखाया चार हिप लिए हुए हैं, जो फिगर दिखाया 16.2, putting our garbage in pits. जो गार्बेज है पिट्स में डाल रहे हैं, गड्ढों में डाल रहे हैं। ये कैसे डाल रहे हैं, हिप्स के फॉर्म में डाल रहे हैं। पुट वन हिप फ्रॉम ग्रुप वन, ग्रुप वन से जो है एक हिप ले लो, एंड वन हिप फ्रॉम ग्रुप टू, ग्रुप टू से जो है एक हिप ले लो, एंड वन हिप फ्रॉम ग्रुप टू इंटू सेपरेट प्लास्टिक इंटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग। उन दोनों हिप को जो है प्लास्टिक बैग में डाल देना है। टाई द माउथ ऑफ टू बैग्स टाइटली, और जो दोनों बैग्स हैं प्लास्टिक बैग है उनको बिल्कुल टाइटली बांध देना। पुट ऑल फोर हिप्स इंटू सेपरेट पेस्ट एंड कवर देम विद द सोइल। और जो चारों हिप हैं, जो ए से हमने दो हिप लिए थे, बी से भी दो हिप, जो ग्रुप वन से दो हिप लिए थे और ग्रुप टू से भी दो हिप लिए थे, चार हिप बनेंगे, उसको सेपरेट पेस्ट में डाल देना और फिर सोइल से कवर कर देना है। यू कैन ऑल्सो यूज फोर पोर्स टू बरी दिस गार्बेज हिप। तो हम क्या कहते हैं कि पोर्स भी यूज कर सकते हैं गार्बेज हिप्स के लिए। रिमूव द सोइल आफ्टर 4 days। अब क्या करना है, रिमूव द सोइल आफ्टर 4 days, जो सोइल को जो रिमूव कर देना है 4 दिन बाद, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज, और उसको जो गार्बेज को जो है जो चेंजेस आए उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। रिमूव द सोइल आफ्टर 4 days। कह रहे सोइल को जो है रिमूव कर देना है 4 दिन बाद, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज, और जो गार्बेज में जो चेंजेस आया उसको ऑब्जर्व करना है। अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। कह रहे हमने ग्रुप वन और ग्रुप टू हमने लिया था, ग्रुप वन से ग्रुप टू से हमने दो वो लिए थे, ग्रुप वन से और ग्रुप टू से दो ग्रुप लिए, ग्रुप वन और ग्रुप टू, ए बी सी डी जो हमारे जो क्या थे हिप्स थे। तो कह रहे कि ग्रुप वन से दो हिप लिए थे, ग्रुप टू से दो हिप लिए थे, और उसको हमने प्लास्टिक बैग में डाला था, उसको टाइटली टाई किया था। Remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicates the rotting of garbage is complete. तो कह रहे हैं कि हम पोस्ट भी यूज कर सकते हैं इस गार्बेज को जो है बरी करने के लिए, इसको नीचे डालने के लिए। Remove the soil after 4 days. जो soil है उसको 4 दिन बाद जो है रिमूव कर देना है और उस गार्बेज को ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आया। अगर उसके अंदर एक ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मूल इंडिकेट द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट।
तो अगर ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट, पुट द हिप अगेन द पेट्स एंड कवर विद द सोयल, ऑब्जर्व अगेन आफ्टर आफ्टर एवरी टू डेज एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। और कह रहे कि हर दो दिन बाद जो है और दो टू डेज बाद जो है उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या उसकी रोटिंग कंप्लीट हो गई है या स्मेल नहीं हो रही है, उसकी जो पार्शली रोट हो रहा है या बिल्कुल कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो रोट हो गया है या उसकी बैड स्मेल आ रही है तो या बिल्कुल भी चेंज कुछ नहीं हुआ, या तो रोटिंग हो चुकी है बिल्कुल सड़ चुका है और स्मेल नहीं आ रही, या बिल्कुल थोड़ा बहुत सड़ा है, या बिल्कुल सड़ा हुआ है लेकिन बट स्टिल स्मेल बैड, जो फिर भी स्मेल आ रही है, या कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो जो गार्ब जो हिप्स हिप जो हमारे चार हिप थे उसमें ये सारी ऑब्जर्वेशन देखनी है। गार्बेज इन विच हिप वाज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट, तो कौन सा जो की रोटिंग होगी है किसी की रोटिंग नहीं हुई है, कोई सड़ा है या नहीं सड़ा, तो हम ये उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम ये ऑब्जर्वेशन को 16.1 जो टेबल है उसके अंदर फिल करेंगे। इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट राइट टू ऑल दिस नोटबुक, Do not remove and burn the garbage that has not rotted. जिसकी रोटिंग नहीं हुई तो उसको गार्बेज को हमने बर्न नहीं करना है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, अगर ऐसे है कि गार्बेज जो है हमारा उसकी रोटिंग हो गई है लेकिन स्मेल नहीं दे रही है, मिक्स इट इन द सोयल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स, तो उसको जो है जहां हम अपने फेवरेट प्लांट उगाना चाहते हैं तो उसको सोयल के अंदर मिक्स कर देंगे, जहाँ पे गार्बेज जो है कम्प्लीटली जो है रोटिंग हो चुकी है लेकिन स्मेल नहीं आ रही, तो हम जो प्लांट उगाने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वहां प्लांट को वो न्यूट्रिएंट देगा। यू मस्ट है ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट समथिंग इन द गार्बेज रोट, दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज, कह रहे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो है गार्बेज में ऐसी चीज होती है जो रोट नहीं होता, दैट समथिंग द गार्बेज रोट जो रोट हो जाती है तो वो क्या बनाती है मैन्योर और फिर प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट देती है। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू द मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, जो मटेरियल को जो कन्वर्ट करके मैन्योर में कन्वर्ट करना है इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग डिफरेंट टू काइंड्स ऑफ गार्बेज, कुछ सिटीज में और टाउन्स में जो है म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज, कह रहे आजकल जो कहते हैं कि दो सेपरेट बिन बनाते हैं गार्बेज के लिए, एक हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यूजली वन इज कलर, एक को ब्लू कलर करते हैं और एक को ग्रीन कलर करते हैं, तो हमारी भी जो सिटीज में जो दो डस्टबिन बनाए जाते हैं ब्लू और एक ग्रीन, ब्लू बिन इज यूज फॉर मेटीरियल दैट कैन बी यूज अगेन, ब्लू बिन तो जो जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक मेटल ग्लास उसके लिए यूज होता है। Did you know, notice that they are the material that can rot in the garbage heap? The green bins are collecting for kitchen. जो kitchen का waste होता है वो green bin में डालते हैं और blue bin में क्या डालते हैं हम जो plastic और metal glass का bin होता है होते हैं उनको डालते हैं। You may have noticed that these type of waste did not completely when buried in the soil. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in the activity one before we throw it? Have you noticed garbage heaps or dried leaves on the roadside most of the time that are burnt? Farmers too often burn the husks, dried leaves and part of the crop plants in their fields after harvesting. Burning of these produces smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. These waste could be converted into useful compost. कह रहे उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दो हमारे बिन यूज होते हैं ब्लू और एक ग्रीन, एक का जो ब्लू एक का एक जो बिन हम किस लिए यूज करते हैं किचन वेस्ट के लिए और दूसरा जो है प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड, कह रहे जो हमने देखा कि जो गार्बेज जो ड्राइड लीव्स के पड़े रहते हैं रोड साइड पे मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, इसको जो हम बर्न कर देते हैं। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस, जो हमारा जो फार्मर जो जो खेत में हस बचा होता है ड्राइड लीव्स बची होती है क्रॉप प्लांट बची होती है उसको जो हम बर्न कर देते हैं। बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूसेस स्मोक, जो इसको हम बर्न करते हैं तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गैस आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, दिस कंपोनेंट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, इस जो वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स नोट बाय द पहेली एंड बूजो फ्रॉम द प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज, There are some of the observation and thoughts noted by Pehli and Bujo
फ्रॉम द प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. तो कह रहे गार्बेज का क्या करना चाहिए, तो हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ली. बूजो नोट इन द नोटबुक टू नोट बर्न लीव्स यू विल नॉट एबल टू टॉलरेट द फ्यूम. के जो लीव्स हैं जो उसको हमें बर्न नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसान देती है. पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक Why has the government not made burning of leaves a theft? Not theft really, she must have meant illegal. She wanted that the government should take a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India. कह रहे कि government को ऐसा कोई law बनाना चाहिए जो burning of leaves के लिए और other plant जो waste जो उसको जलाया जाता है तो उसके लिए एक law बनाना चाहिए ताकि जो है burning of leaves ना करें. तो उसके आगे हमारा क्या है टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग. तो हमने जो एक्टिविटी की डीलिंग विद गार्बेज में, इसमें हमने दो ग्रुप बनाए थे. एक किचन का वेस्ट लिया था और दूसरा हमने क्लोथ वगैरह के पीसेस लिए थे. और ग्रुप वन और ग्रुप टू में से दो दो हिप लिए हमने. उनको उन हिप को जो है उसको हिप्स को क्या किया हमने पोलिथीन में टाई किया और उसको कवर कर दिया. और उसको हमने क्या किया रिमूव द सोइल आफ्टर टू डेज एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज. तो कह रहे कि जो सारी की सारी जो सोइल है उसके ऊपर कवर कर दी. फिर उसके बाद चार दिन के बाद सोइल को कवर करके सोइल को जो है उतार के देखा तो उसमें जो ब्लैक कलर एंड नो फर्स्ट स्मॉल इंडिकेट द रोटिंग ऑफ द गार्बेज इज कंप्लीट. तो कोई भी इसके अंदर ब्लैक कलर जो उसके अंदर नो फर्स्ट स्मॉल इंडिकेट द रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट. पुट द हिप अगेन द पेट्स एंड कवर विद द सोइल ऑब्जर्व अगेन आफ्टर टू डेज एंड डिड यू नो. तो हमने ऑब्जर्वेशन ली कि क्या कि वो जो कम्प्लीटली जो है रोटिंग हुई है ये नहीं हुई, या पार्शली रोटिंग हुई है ये कम्प्लीटली हुई है, जो उसमें बैड स्मेल आती है ये कुछ भी चेंज नहीं होता. तो उसमें हमने 1, 2, 3, 4 जो है जो हमने ऑब्जर्वेशन दी देखी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है. और फिर जो गार्बेज हिप्स का क्या होता है ए बी सी डी गार्बेज हिप में 4 दिन बाद 6 डेज बाद 2 वीक्स बाद 4 वीक बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन ली के जो जो गार्बेज जो है कम्प्लीटली जो अगर जो है रोट नहीं होते और जो डिड नॉट स्मेल स्मेल नहीं आती तो उसके अंदर जो हम उसको सोइल के अंदर मिक्स इन द सोइल सोइल के अंदर मिक्स कर सकते हैं. तो उसको हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं जो हमारी जिसकी गार्बेज की जिनकी रोटिंग पॉसिबल कम्प्लीटली होगी है लेकिन स्मेल नहीं आ रही तो उसको एज अ मैन्योर हम प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं. उसके बाद कह रहे कि रोटिंग और कन्वर्जन ऑफ सम मेटीरियल इन टू मैन्योर. जो गार्बेज का कुछ मेटीरियल जिसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस को कम्पोस्टिंग. तो कह रहे कि सिटीज और टाउन में दो डस्टबिन बनाए जाते हैं ब्लू और एक ग्रीन. एक जो बिना हमारा किस लिए यूज होता है जो प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दूसरा हमारा किचन वेस्ट के लिए. तो उसके बाद कह रहे कि हैव यू नोटिस गार्बेज शिफ्ट और ड्राइड लीव्स के रोड साइड पे हमने देखा कि जो ड्राइड लीव्स के जो ढेर पड़े रहते हैं तो उसको हमें जलाना नहीं चाहिए. और जो हमारे हिप्स हैं जो हमारे जो फार्मर्स जो है जो फसल उगाने के बाद जो बाकी बच जाता है उसको जला देते हैं, उसको जलाना नहीं चाहिए. और गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए ताकि वो जला ना पाए. अब आगे हम जो स्टडी करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग थिंक थ्रो और उसके बाद हमारा क्या है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर प्लास्टिक बून और कर्स. ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. अगर किसी बच्चे को गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स. जो एक हमारा लैंडफिल क्या होता है ये पता लग गया हमें और गार्बेज के साथ हम कैसे कैसे डील करते हैं और दो बिन क्या कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम ये हमने पढ़ा. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स. जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है लैंडफिल क्या होता है ब्लू बिन क्या होता है ग्रीन बिन क्या होता है गार्बेज क्या होता है और गार्बेज की कौन कौन सी एक्टिविटी हम इसमें की है हमने और बर्निंग ऑफ लीव्स का हमें क्या करना चाहिए और जो हमारा जो एक
कौन सा जो क्लीननेस के लिए कौन सा स्टेप उठाया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो क्या होता है, और यूजफुल कंपोनेंट्स और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स का क्या करते हैं गार्बेज का हम, ये सारा जो है हमारी हमने जो प्रैक्टिस नोटबुक पे करना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई क्वेरी कर